ही पुलिस ने हमलावरों से दो युवकों को बचाया, जिसके बाद पुलिस की जगह जगह सराहना हो रही है। रात में गश्त के वक्त अचानक दोनों पुलिसकर्मी गली नंबर 2 में एक ढाबे के पास दो युवकों को घेर कर कुछ लोग बेदर्दी से मार रहे थे। दोनों ने पहले हमलावरों को रोकने की चेतावनी दी, इसके बाद वे इनको काबू करने के लिए हथियारों से लैस आधा दर्जन के करीब लोगों को काबू करने में जुट गयी। दमोदर ने उस वक्त किसी तरह अपने डंडे के सहारे गौरव और प्रेम सागर नाम के व्यक्तियों को हमलावरों के चंगुल से बचाया। इसके बाद दोनों ने भागते हुए इन हमलावरों में से 2 को पकड़ लिया। बुरी तरह घायल गौरव और प्रेम सागर को अस्पताल के लिए रवाना किया। गौरव के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और प्रेम सागर को चाकू से जख्मी किया गया। गौरव की पत्नी व बहन पुलिस की प्रशंसा करती नजर आई और आभार व्यक्त किया। यदि दोनों पुलिसकर्मियों ने साहस न दिखाया होता तो ये दोनों मार डाले होते। राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली, समाचार 24। मेरा नाम प्रीति विद्यार्थी है। प्रीति जी, ये गौरव के बारे में? हाँ, मेरा भाई है, वो आराम से वैष्णो देवी गया हुआ था। वो घर पे आके नीचे ही खड़ा हुआ था। 4-5 लड़के आपस वहाँ से भागते हुए आए, उसको पीछे से हिट किया। उसके जो सर में है वो कोई लोहे की बहुत धारदार चीज़ थी, जो हमने वीडियो में देखी है बताया। उसके सर पे 2-3 मारे हैं और 4-5 लड़कों ने एकदम से उस पर हमला किया है। वहाँ पर उसको गिराया है नीचे, बहुत मारा है उसको। और उसके बाद 2 पुलिस वाले भागते हुए हैं जिन्होंने उनको उसको बचाया है। अगर वो पुलिस वाले नहीं होते तो मेरे भाई मतलब कल ख़त्म हो जाना था। वो आए इसीलिए थे कि उसको मारें, उसको ख़त्म करने के लिए, इरादा उनका यही था। और जिसमें हमें पता चला कि काफ़ी सारे ढाबे के लड़के थे, और किसी ने मतलब नाम मैं अभी नहीं लूँगी, बट उसने भेज के, ये मतलब पुरानी रंजिश, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, लेकिन उन्होंने किया है उसको मारने के इरादे से ही। आपके पति को बहुत जानलेवा हमला हुआ, हाँ। उसमें पुलिस का क्या रोल रहा, पुलिस ने कितनी मदद करी, ये सारा बताइए। पुलिस ने अच्छी मदद करी, उन्होंने पीछे से आकर उनको पकड़ा, उन्हें बचाया, नहीं तो अगर पुलिस नहीं आती तो फिर वो बच नहीं पाते। किन लोगों ने बचाया, हाँ। कितने पुलिस के लोग थे? 2 थे पुलिस। कैसे बचाया? उन्होंने पीछे से आकर भागकर उन्हें पकड़ा और डंडे मारे पुलिस वालों ने, जब जाकर 2 लोग पकड़े गए हैं और 3 भाग गए हैं। हाँ हाँ, हथियार थे, एक तो बहुत बड़ा चूरा था और इतने बड़े बड़े वो नाइफ थे उनके, क्या तरोना तरोना बड़े बड़े सब थे उनके पास, खाना बनाने। नहीं, हथियार से डरी नहीं, उन्होंने डंडे मारे, वो हथियार भी पकड़ लिया था। अच्छा, वो बोलेंगे उनको हेल्प करी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तैनात हेड कांस्टेबल दामोदर और कांस्टेबल विजय ने कल रात को 9:15 बजे बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया और एक युवक की जान बचाई। किस्सा यह है कि कल रात को तकरीबन 9 बजे 2 दोस्त गौरव और उसके साथ प्रेम सागर एक ढाबे पर खाना लेने पहुंचे। खाना लेने के ऊपर ढाबे के मालिक नीलेश और आकाश से उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद वो वहां से चल पड़े। पीछे पीछे से नीलेश और आकाश आए और एक बड़े चाकू, जिसको चापड़ बोलते हैं, और साथ में कढ़ाई में जो सामान पलटने के लिए, खाना पलटने के लिए पलटा होता है बहुत बड़ा, उस पे उनसे उन्होंने वार किया। दोनों दोस्त घबराए हुए थे, अचानक पीछे से वार हुआ और गौरव के चाकू सर पे भी लगा और बाकी जगह भी लगा। लगातार नीलेश और आकाश उनको मारे जा रहे थे। इतने में हमारा पेट्रोलिंग स्टाफ जो बगल से गुजर रहा था, उन्होंने शोर शराबा सुना। हेड कांस्टेबल दामोदर और कांस्टेबल विजय ने तुरंत बीच बचाव किया। उनके पास लाठी थी, उन्होंने बगैर किसी परवाह के इंटरवीन करके उनको अलग किया। दोनों एक्यूज्ड को अप्रीहेंड किया, वहां अपने कब्जे में लिया, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया। इंजर्ड गौरव की जान बच गई और मामला जो है वहीं खत्म हो गया। अगर दोनों हमारे स्टाफ के मेंबर हेड कांस्टेबल दामोदर